हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक बी योर बेस्ट डॉक्टर चैनल में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में, और एनीमिया से रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टिगेशन आप घर पर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। देखिए, एनीमिया जब भी आपके बॉडी में खून की कमी होती है, खून का जो खून RBC सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं, इसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, चलने फिरने में आपको सांस जल्दी भर आएगी, आपको दिक्कत आने लगेगी, या फिर आपको थकान जल्दी महसूस होने लगेगी, तो हो सकता है कि आपको एनीमिया हो, खून की कमी हो। अब एनीमिया या खून की कमी को पूरा करने के लिए आपको करना क्या है और इसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे कराएंगे। सबसे जनरली बात करें कि डॉक्टर जब आपको लिखते हैं वो CBC लिखते हैं, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन का पता लग जाता है। हीमोग्लोबिन मेल फीमेल में दोनों अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं, इनके अलग अलग नॉर्मल वैल्यूज़ होती है। जैसे कि अगर मेल की बात करें तो वो 12 से लेकर के 14 रहता है, फीमेल की बात करें तो वो 11, 12, 13 इसके अप्रोक्सीमेट रहता है। क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, तो उसकी वजह से फीमेल का जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो कम होता है। ठीक है, अगर लीटर की बात करें तो ब्लड आपका 65 से 60 से 65 से लेकर के 80-85 जो परसेंटेज रहता है टोटल बॉडी वेट के हिसाब से, उतना आपके बॉडी में ब्लड रहना चाहिए। लीटर में अगर बात करते हैं तो 4 लीटर से 6 लीटर के बीच में आपका ब्लड रहता है आपके नॉर्मल बॉडी में। हम बात करते हैं कि जब भी आपको हीमोग्लोबिन का चेकअप करना हो घर पर, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये मेरे पास बच्चा है, अगर मैं इसका हीमोग्लोबिन मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा बिना जांच के। ठीक है, थंबनेल आपने देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है बिना रिपोर्ट के आपको किस तरह से हीमोग्लोबिन चेक करना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन चेक आपको तब करनी है जब भी आपको इस तरह की परेशानी आती है या आपको लगता है कि मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बच्चे को लेके आया, बच्चा मेरे पास है, मरीज़ है ये। ठीक है, इस बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन कम है। इस बच्चे को भी टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड की मेडिसिन चली, टाइफाइड मेडिसिन चलने के बाद में इस बच्चे को थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम निकला हुआ है। अब मैं इसको अगर बिना जाँच के चेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, या घर पर अगर आप किसी को खून की कमी है तो कैसे चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये ऐसे हाथ पकड़ना है और इस तरीके से आपको ये नीचे करना है। देखिए, डोंट लफिंग, ये आपको जो इस तरीके से जो रेड आपको नीचे की जो लेयर दिख रही है, ये देखिए, हल्का सा करो, ये जो रेड आपको लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। ठीक है, जब कंजक्टाइवा आपकी, ये देखिए रेड है, अभी प्रॉपर रेड है, यानी कि अभी इसमें खून की ज़्यादा कमी नहीं है। ठीक है, अगर ये हल्की सी सफ़ेद होने लगती है, अगर ये लाल कलर इसका चेंज हो जाता है, सफ़ेद हो जाती है, तो हम इसे कहेंगे कि इस पेशेंट में खून की कमी है। ऐसी साइड से इसी तरीके से दूसरे आईज़ को देखना है, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, हल्की सी कमी है, ब्लड की ज़्यादा कमी नहीं है, थोड़ी बहुत मेडिसिन चलेगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पीलिया की, तो पीलिया कैसे देखते हैं पेशेंट में, अगर पेशेंट किसी पेशेंट को पीलिया है तो किस तरीके से देखेंगे। देखिए, जैसे ये पेशेंट है मेरे पास और मुझे इस तरीके से पीलिया देखना है, और अगर आप बच्चों में देखना चाहते हैं तो उससे बोल रहे हैं कि इस उंगली को देखें और इस तरीके से, बेटा उंगली देखो, मैं जिधर करूं उधर करना, ऐसे करो, ये देखो ऊपर करो, तो इस तरीके से जो वाइट लेयर आपको चारों तरफ दिख रही है, वाइट जो लेयर आपको आँख में दिख रही है उसे बोलते हैं स्केलेरा। ठीक है, स्केलेरा जब भी पीलिया होता है मरीज को, तो स्केलेरा येलो हो जाती है, यानी कि वो पीली होने लगती है, तो उस बेसिस पर हम कहते हैं पेशेंट को कि पेशेंट को पीलिया हो सकता है। पीलिया में पेशेंट के नाखून हैं वो भी पीले होने लगते हैं, उसकी स्किन है वो भी पीली होने लगती है, ये जो लोब्स होते हैं ईयर के वो भी पीले होने लगते हैं किसी किसी में, और भी कई फीचर्स हैं पीलिया के भी, लेकिन हम यहाँ एनीमिया की बात कर रहे हैं। तो एनीमिया आपको टंग पर भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, टंग पर क्लिनिकल फीचर्स हम नहीं ज़्यादा देख सकते हैं एनीमिया के, बट रेयरली अगर पेशेंट की टंग ज़्यादा वाइट हो रही है, बेटा जीभ दिखाओ, आ करो, ये देखिए अभी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी नॉर्मल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का सा मुझे लग रहा है, तो टंग से हम एनीमिया डिसाइड नहीं कर सकते, केवल आपको यहाँ
जो कंजक्टिवा है ये देखनी है। अगर ये आपकी अच्छे तरीके से रेड है, लाल दिख रही है, इसका मतलब खून की कमी नहीं है। अगर ये पीली दिख रही है, हल्की सी सफ़ेद दिख रही है, इसका मतलब है खून की कमी हो सकती है। आपको कंफर्म करने के लिए आपको CBC रिपोर्ट कराते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन का वैल्यू आ जाता है, बच्चों में भी आ जाता है, बड़ों में भी आ जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ये वीडियो आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सिखाने के मकसद से ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन ऑन जरूर करना, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी।